हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन वीडियो है आज आशीष चंचलानी भाई की साइंस वर्सेस कॉमर्स पार्ट टू। भाई वन पे तो हमने टारगेट सेट किया था, वो आप लोगों ने पूरा किया नहीं, बहुत बुरा लगा। 10K का टारगेट किया था, 10K के आसपास पहुंच गए व्यूज उस पे, लेकिन हम ले आए पब्लिक डिमांड। रोज पब्लिक कैरियर साइंस वर्सेज कॉमर्स टू लेके आओ, जल्दी से लाओ। तो हम जल्दी से तो नहीं लाए, थोड़ा लेट करके लाए, ले आए लेकिन आपके लिए। भाई इससे पहले, शुरू करने से पहले, कैस्पर गेमिंग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबकैम के साथ हम नई नई गेम खेलते हैं, एवेंजर्स भी खेलने वाले हैं जो लेटेस्ट आया। गेम वेबकैम के साथ खेलते, मतलब वेबकैम पे हमारी शक्ल दिखती है। तो भैया कैस्पर गेमिंग सब्सक्राइब कर लो भक्के, और लाइव स्ट्रीम पे आ जाया करो शाम को, और हम अपडेट डाल देते हैं इंस्टाग्राम पे, फॉलो कर लेना। और एवेंजर्स खेलेंगे उस पे, अनचार्टेड भी खेलेंगे, अभी तो पबजी भी आने वाला है। तो भैया भक्के आ जाओ, भक्के आ जाओ, भक्के आ जाओ, भक्के आ जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के, बकचोदी बहुत हो गई। यह वीडियो भी काल्पनिक है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनेशन में देखिए, इसे कृपया करके दिल पे ना लीजिए, कहीं और लीजिए, और फिर भी ऑफेंड हो गए तो स्टार्ट से डिस्क्लेमर वापस देखिए। थैंक यू। सो दिस इज हाउ डीकंपोजिशन ऑफ लिक्विड हैपेंस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। Any doubts? सर, जब हम कैथोड डालते हैं, एनोड डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो सर जो सोडियम के एटम्स हैं सर, वो कार्बन कैथोड से क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्लोरीन को छोड़ के वो कार्बन के पास क्यों जाते हैं? सर ये मेरे को नहीं समझ आ रहा है सर, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन मी। ओके, एनी डाउट्स? एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ डाउट। यस सर, एक्चुअली मुझे ये पूछना था, व्हेन आई केम फर्स्ट डे टू दिस क्लास, सर करीना पहले आकाश के साथ बैठी थी, ओके, देन करीना नेक्स्ट डे विवेक के साथ बैठी थी, ठीक है, उसके बाद तीसरे दिन करीना नेक्स्ट डे नंगे कुणाल के साथ बैठी। सर करीना मेरे साथ क्यों नहीं बैठती? तेरी शक्ल पे टट्टी लगी हुई है, मैं नाश्ते में बच्चे खाता हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या है सर? और तुम्हारे क्लास में ऐसा क्यों होता है? मैं ठोक दूंगा तेरे को, ठोक दूंगा सुनना। चल बायो प्रैक्टिकल बंक कर देना आज। क्या तुझे बायो प्रैक्टिकल बंक करना है? तुझे पता है मुझे बायोलॉजी से कितना प्यार है? तुझे पता है ना मुझे बचपन से डॉक्टर बनने मेरा एक ही सपना है, कि मैं डॉक्टर बनूं, लोगों को ठीक करूं। अरे डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और तू बायो प्रैक्टिकल बंक करने की बातें कर रहे हैं? पाप कर रहे पाप। बायो प्रैक्टिकल बंक करना है, चल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करते, और जो बताएंगे वो करना है अच्छे से। तो आज हम करने वाले हैं मेरा फेवरेट प्रैक्टिकल, एंड ये प्रैक्टिकल करेगा आशीष। थैंक यू सर। स्माइल भाई, बंदा खुश। क्या कर रहा है सर? माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन को एडजस्ट करना है। नहीं, फिर आज हम करेंगे डाइसेक्शन ऑफ कॉकरोच। हाँ, होल्ड इट लाइक अ पेन। मूवी का डायलॉग। ये तो मैं जिंदगी में नहीं कर सकती। सर्वोच्च से नहीं होगा सर, सर्वोपरि है सर, मेरे को घूर के देख रही है तो मेरे को काटने वाले सर, किसी की माँ बहन बाप भाई कुछ तो होगा सर, घर पे परिवार वेट कर रहा होगा, मैं क्या करूँ सर, काटा हूँ मैंने, सर्वोच्च से नहीं होगा सर। अगर नहीं किया ना तो फेल कर दूंगा। ठीक है सर, अभी करता हूँ। भाई सुन तो, ये बायोलॉजी सब्जेक्ट को ज्योग्राफी सब्जेक्ट में चेंज करने का फॉर्म इधर ही मिलता है ना? हाँ इधर ही, इधर ही। थैंक यू यार। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं कॉमर्स लूँ या साइंस? अरे भाई तेरे को बोल रहा हूँ कॉमर्स ले। आशीष कर। अबे मेरे फोन का टेंशन ही नहीं है, ये एसुस का नया Zenfone 5Z है, ये बैकग्राउंड नॉइस के हिसाब से ऑटोमेटिकली रिंगटोन एडजस्ट कर लेता है, AI टेक्नोलॉजी है इसमें। वैसे भी फोन बजे या ना बजे अपने को क्या टेंशन है, अपने कॉमर्स के टीचर है, कुछ बोलते थोड़ी है। अरे अपने भाई जैसे है, भाई जैसे वो मेरे भाई। सर फोन दे मेरे भाई, फोन दे। सर सर आई एम सॉरी सर, पहले अपने पेरेंट्स को लेके आना, फोन लेके जाना। सर सर सॉरी सर सर सर। ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंट। अरे कॉमर्स के टीचर इतने लीनियंट, इतने लीनियंट, भाई जैसे रहते, भाई जैसे। अरे नोट सुनना, नोट्स के फोटो भेजना यार। हां एक मिनट। अबे क्या टट्टी फोटो क्वालिटी है तेरे फोन की, क्या गरीबों के फोन यूज कर रहे हैं। रुक मैं तेरे को अपने Zenfone 5Z में खींच के दिखा दो फोटो। ये देख, ये फोन में ना AI सीन डिटेक्शन है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली देख इसने अभी टेक्स्ट मोड ऑन कर दिया। इसमें ऐसे टोटल 16 AI सीन डिटेक्शन टाइप्स है। टट्टी फोन लेके घूमोगे तो टट्टी फोटो आएंगे ना। हाँ भाई कौन सा चैप्टर है ये? भाई चैप्टर नहीं है, एक आंसर है। क्या? हाँ तो देखो पता नहीं क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत बड़ा आंसर है, और कॉमर्स के सब्जेक्ट इतने इजी, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। हाँ।
पेपर भर दिया सर थियरी से, ले लो सर। ये इंट्रो तो बढ़िया लिखा है, इस पर पूरे एक मार्क तो पक्का मिलेंगे। बाकी का आंसर क्या है? कॉमर्स के एग्जाम्स इतने इजी होते हैं, इतने इजी होते हैं, तो मार्क्स तो यू मिल जाती है भाई, यू। और 200 सप्लीमेंट दो यार, ये LHS RHS इक्वेट ही नहीं हो रहा है। पहले लेफ्ट साइड सॉल्व किया, उसका राइट साइड सॉल्व किया, इक्वेट क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ का साइन यहाँ के कॉर्ड से नहीं मिल रहा है, यहाँ का कॉर्ड सॉल्व कर दो, यहाँ पे साइन भी नहीं आता, क्या है यार ये? देख भाई, इस देश में मैथ्स ऐसी चीज है ना, तू अगर दो स्टेप में इजीली निकालेगा ना, कोई भाव नहीं देगा, लेकिन अगर वही सम तू 8 स्टेप में घुमा के हे परमात्मा मैं तेरा थ्योरम ठोक के लगाता हूं कर देगा ना, तो सॉल्व हो जाएगा, मार्क्स भी मिल जाएंगे। अभी इधर तू लिख, मैं मेरे बाप का थ्योरम लगा दू, यूलर तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ना। लिख मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 0, LHS into 0 is equal to 0, RHS into 0 is equal to 0, 0 equal to 0, therefore since hence proved LHS equal to RHS, teacher भी खुश, तू भी खुश, भगवान भी खुश, जा जाके नारियल फोड़। अरे सही यार, ये तुमने सोचा ही नहीं। अबे यार ये बैलेंस शीट टैली ही नहीं हो रही है, सारी एंट्रीज लिख दी, एडजस्टमेंट भी लिख दी, तो भी ये बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है। मेरी बात सुन, मैं तेरे को सिंपल सा सोल्यूशन देता हूं। हां हां, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल में लिख दूं। अबे वो मैं बचपन में करता था, इधर लिख, क्या लिखेगा? ये मेरा सारा काम मेरा अकाउंटेंट देखता है, उसको जाके कॉल करो, मगजमारी वो देखता है, सिंपल। वैसे डिफरेंस कितने का? 100 रुपए का। अरे 100 रुपया, 100 रुपया ले चिपका, ऐसा लगा धूप लगा के लगा, सबमिट कर पेपर, टीचर देगा 100 रुपया, टीचर खुद टैली करेगा, तेरे को घर पे मार्क्स देके जाएगा, टीचर खुश, तू खुश, भगवान खुश, जा जाके नारियल फोड़। सही है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भाई तू असाइनमेंट करके ले आया? नहीं यार, बायोलॉजी के चक्कर में सब भूल गया। भाई तू? नहीं भाई, मैं भी भूल गया। बाकी सब किसी ने किया असाइनमेंट? ठीक है, तो एक काम करते, सर को बोलते आज कोई भी असाइनमेंट नहीं करके आए, असाइनमेंट की डेट पोस्टपोन करवा देते, क्या बोलते हो? असाइनमेंट सबमिट करो। सर एक्चुअली आज कोई असाइनमेंट करके नहीं आया, तो सर हम सबकी रिक्वेस्ट है आपसे कि सर प्लीज असाइनमेंट की सबमिशन डेट पोस्टपोन कर दो। सर डेट वेट पोस्टपोन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरा असाइनमेंट रेडी है। अरे यार आज असाइनमेंट का लास्ट डे है सबमिशन का, कितने लोग करके असाइनमेंट? लोग 20 और असाइनमेंट 3। चलो टेंशन नहीं करो, आज सबके असाइनमेंट सबमिट हो जाएगी। कैसे? मेरे पास एक फाड़ू आइडिया है। अंदर कुछ नहीं है, तुमके नाम लगा दिया यार। आराम खोरो। ए रुबे, ए, ए। चलो बच्चों अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं। हैं। राम
प्रेजेंट सर। हरि प्रेजेंट सर। शंकर प्रेजेंट सर। आशीष प्रेजेंट सर। गंगोधर सर वो एब्सेंट है। क्यों सर उसके घर पे बहुत लिमिट्स है सर। क्योंकि सर उसके माँ बाप ना उसका डेरिवेटिव निकाल निकाल के उसको अलग कर रहे हैं। लेकिन सर हम लोग है ना उसके फ्रेंड्स सब इंटीग्रेट कर देंगे। फ्रेंडशिप इज स्ट्रॉन्ग हेंस प्रूव्ड। रोहित सर वो नहीं आया सर। क्यों बेटा 17-17 घंटे पड़ता है सर। ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाई है उसको। बेचारा गरीब का बच्चा साइंस ले लिया एक तो। गरीब का बच्चा साइंस ले। हेलो बेटा। बेटा तो कॉमर्स ले कॉमर्स। सॉरी सर। वासु सर वो पिछले हफ्ते मर गया। क्या आरडी शर्मा के बुक के नीचे दब के मर गया सर। जिंदगी हमारी पैराबोला बन गई है सर। कब ऊपर कब नीचे। अभी सर मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो क्या डेरिवेटिव लगाऊंगा उस पे। मुझसे अटेंडेंस नहीं होगा। नहीं होगा। टीचर रुला दिया। चलो पढ़ाई करते हैं। आ गए साले मनुष। ये तो पगार अच्छी है नहीं तो एक एक को घर पे आकर गोली मार के जाओ। अटेंडेंस ले रहा हूँ। तन्मय प्रेजेंट सर। अंकित अभिषेक प्रेजेंट सर। आशीष प्रेजेंट सर। ये भी है साला फिर से लेगा मेरी। भुवन प्रेजेंट सर। अमित प्रेजेंट सर। प्राजक्ता प्रेजेंट सर। कौन बोला भाई सब वो है यूट्यूबर है सर। वो आज से नहीं आएगा सर। क्यों बेटा। अरे उसकी मर्जी नहीं आएगा तो तुझे क्या करना है। अपना काम करना अटेंडेंस ले। चोटिया साला चोटिया वन के चोटिया चोटिया नहीं वाली सर। उसको गाड़ी ने ठोक दिया। तुषार सर वही गाड़ी चला रहा था। ऋषभ कुत्ता खा गया। उसका कुत्ता खा गया। काम करना अपना। साली की चोटी काट के मुंह में डाल दूंगा। जशन सर उसकी पड़ोस की बीवी सर प्रेग्नेंट है। तो अरे तो सर उस बीवी का पति 2 साल से घर नहीं आया। तो उसका इससे क्या। अबे तेरे को टीचर किसने बनाया। सर वो बारिश में गीला हो गया। तो हाँ तो घर बैठ के सूख रहा है वो। सिमरन गजब नहीं देगी। आई मीन नहीं आई है साला दाढ़ी वाली औरत। रोहित 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 इसकी लगी नहीं है तो। कमाल है ये तो एक महीने से नहीं आया। हर बार का हो गया यार ये। कैरी सर वो लोना वाला गया अपने आइटम के साथ। अबे तू क्या हंस रहा है आइटम के साथ ही गए। खत्म क्यों हो गई भाई ये लास्ट की जो पार्ट थे ना इस वीडियो के वो तो गजब थे। जो कॉमर्स में अटेंडेंस हो रही थी मैं बताऊं सबसे अच्छा क्या था। कहता उसकी पड़ोस की पड़ोसी की वाइफ प्रेग्नेंट है। कह रहा तो वो कह रहा उसका पति 2 साल से घर नहीं है। कह रहा तो टीचर किसने बनाया। किसने बनाया ऊपर उसकी बेचारे की अटेंडेंस 1 महीने से मार्क नहीं करे मुंह पकड़ के रखा हुआ है। कहता सिमरन नहीं देगी तो बहुत ही अद्भुत था भाई। तेरे को क्या करना है साले काम कर अपना है। और कह चोटिया चोटिया साल नहीं वो पता चली है गाली चोटिया चोटिया भाई। ये सच में थैंक यू यार आप लोगों ने सजेस्ट करी। चैप्टर 2 भी जल्दी से लाने के लिए हम थोड़ा लेट लाए उसके लिए माफ चाहते हैं हम। और मत करना yes. माफ लेकिन हम ऐसी बकचोद है ऐसी रहेंगे ऐसी लेट लाएंगे हम रिएक्शन। आप रिक्वेस्ट करोगे उस दिन नहीं लाएंगे अगले दिन भी लाएंगे थोड़ा और लेट लाएंगे लेकिन लाएंगे जरूर। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर देना कमेंट करके और सजेस्ट करो हमें। और भैया बकचोद हम बकचोद तुम। आज नहीं बोलेंगे सब बकचोद। बाय गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। टिल देन बाय हैव अ गुड डे।